महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के सुनहरी घाट के सामने स्थित केदारेश्वर महादेव 84 महादेवों में 67वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन युग में हिमालय की ठंड से पीड़ित होकर देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, अपने ससुर हिमालय से तो शंकर जी भी दुखी हैं, इसलिए आप उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के आगे से मैंने यह सृष्टि पृथ्वी और हिमालय की रचना की है। ऐसा कहकर देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पर शिव जी के पास गए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी ने हिमालय की मर्यादा निश्चित कर दी, उसे पर्वतराज बना दिया। देव, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि के वहाँ स्थान निश्चित कर दिए गए। फिर वहाँ केदार पर्वत पर भगवान शिव लिंग मूर्त होकर स्थित हो गए। उन्होंने वहाँ के जल को मंत्र पूत कर दिया। इस जल का जो भी सेवन करते हैं, शिवजी उनके उदर में लिंग रूप में विराजमान रहते हैं। तब देवता, यक्ष, विद्याधर आदि ने उसकी पूजा की। उसकी प्रसिद्धि सुनकर कई मनुष्य वहाँ आने लगे। तब शिवजी ने भैंसे की आकृति धारण कर ली। शिवजी को वहाँ न पाकर उस स्थान की निंदा करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि शिवजी यहाँ निवास करते हैं, हिमालय उनकी 8 माह तक पूजा करता है, इसलिए वह पर्वत है। ग्रीष्म और वसंत काल में ही उनके दर्शन होते हैं। शेष काल में मनुष्यों के हित के लिए महाकाल वन में सोमेश्वर के पश्चिम में स्थित होकर दर्शन देते हैं। जब मनुष्य महाकाल वन में शिप्रा के तट पर आए, उन्होंने लिंग के दर्शन किए और उसका पूजन किया, तब देवताओं ने इसका नाम केदारेश्वर रखा। केदारेश्वर के दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हिमालय स्थित केदारेश्वर के दर्शन से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य केदारेश्वर के दर्शन से भी मिलता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।